हेलो दोस्तों, मैं सुमन और आज हम बात करेंगे कि हम एडिटर JS में इमेज कैसे अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम दो तरीके से देखेंगे। सबसे पहला तो ये कि आप सिस्टम में से, अपने लोकल सिस्टम में से कोई इमेज सेलेक्ट करके अपलोड करेंगे, जैसा कि यूजुअली होता है हर एक एप्लीकेशन में जहाँ भी इमेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन होता है। और सेकेंड है कि आप कोई URL पेस्ट करेंगे एडिटर में और वो इमेज है वो बैकएंड पे मतलब उसको कॉपी करेंगे हम लोग, एक नई इमेज क्रिएट करेंगे बैकएंड में और उसको सेव कर लेंगे। ठीक है, दो तरीके से होगा, तो दोनों हम लोग आज देखेंगे। इसके लिए जो बैकएंड की रिपोजिटरी है वो आप मेरे गिटहब पे चेक कर सकते हैं। ये वाली डाउनलोड इमेज फ्रॉम URL वाली रिपोजिटरी होगी, और इसके अंदर जो सिंपल वाला जो अपलोड है, जो सिलेक्ट इमेज वाला, वो यहाँ से होगा। ठीक है, ये मल्टा से है, और सेकेंड वाला है ये होगा बाय URL। सो इसका कोड यहाँ पे है, अगर आपको चेक करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपने देखना हो कि ये कैसे किया हुआ है, तो इसकी जो वीडियो है वो मेरे चैनल पे पहले से अपलोडेड है, 2-3 वीडियो पीछे, आप उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा इसके लिए जो प्लगइन यूज़ होगा वो होगा एडिटर JS इमेज। ठीक है, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे सिंपल तो आपको टूल्स के अंदर, इमेज के अंदर में इमेज टूल यूज़ करना, और कॉन्फिग के अंदर में दोनों एंड पॉइंट्स दे देने हैं, मतलब ये अपलोड बाय फाइल वाला की बाय सिलेक्टिंग अ फाइल, और दूसरा बाय URL। ठीक है, और पर हम लोग इतना सिंपल नहीं करेंगे, हम लोग जो करेंगे वो करेंगे हम कि इसमें आपको थोड़ी सी कस्टमाइजेशन भी मिल जाए। जैसे कई बार क्या होता है कि अपलोड करने से पहले इमेज हमें कंप्रेस वगैरह भी करनी पड़ती है, तो उस केस के लिए हम लोग थोड़ा लंबा फॉर्मेट देखेंगे ये वाला। ठीक है, तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि आप इसको अपने प्रोजेक्ट में कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इस टूल को आप मतलब डाउनलोड कर लेते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर में, और इसके साथ में हमें ज़रूरत पड़ेगी एक्जियोस की टू कॉल दी APIs। ठीक है, तो इसको हम लोग इंस्टॉल होने देते हैं। तो तब तक हम लोग क्या कर रहे हैं कि उनको और जो हमने टूल यूज़ करना है उन दोनों को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो मैं कहता हूँ इंपोर्ट इमेज टूल फ्रॉम एडिटर JS और इमेज। ठीक है, दूसरा है इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस। ठीक है, ये दोनों हो गए। अभी हमें इमेज, हमें टूल्स के अंदर जाना है जो एडिटर JS का, जहाँ पे हम लोगों ने इनिशियलाइजेशन की थी, और इन टूल्स के अंदर में एक और टूल ऐड कर देंगे जो है इमेज। ठीक है, इसके ये होगा ऑब्जेक्ट, इसके अंदर पहली की होगी क्लास, क्लास के अंदर में जो हमने ऊपर इंपोर्ट किया था इमेज टूल। ठीक है, और दूसरा कॉन्फिग, तो कॉन्फिग के अंदर में हम लोगों ने थोड़ी सी कस्टमाइजेशन करनी है, तो कॉन्फिग के अंदर पहली की आएगी अपलोडर। ठीक है, अपलोडर के अंदर में हम लोगों को दो मेथड जो हैं वो रिटर्न करने हैं। ठीक है, मतलब ये दो मेथड यहाँ पे डिफाइन करने हैं। ठीक है, तो जो पहला मेथड होगा वो होगा अपलोड बाय फाइल, और दूसरा होगा अपलोड बाय URL। ठीक है, तो हमने इसमें सबसे पहले करना अपलोड बाय फाइल कर लेते हैं, और ये होगा एक फंक्शन, और इसके अंदर में मैं करता हूँ कॉन्स्ट फॉर्म डेटा। ठीक है, ये जो फाइल है इसके अंदर में हमारे पास में फाइल आएगी जो भी अपलोडेड फाइल होगी, तो मैं इसको करता हूँ फॉर्म डेटा को मैं कर देता हूँ न्यू फॉर्म डेटा। इसको फॉर्म डेटा ये हमें बिल्ट इन मिल जाता है, इसके लिए आपको कोई इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं है। और हमने क्या करना है, इस फॉर्म डेटा के अंदर में जो हमारी फाइल है उसको अपेंड कर देना, मतलब जो हम लोग मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा से सिंपल इमेज भेजते हैं किसी फॉर्म से, मतलब HTML से, हम उसी फॉर्मेट में करेंगे और इसको बैकएंड को भेज देंगे। तो मैं इसमें अपेंड कर देता हूँ, अपेंड के अंदर में फाइल आ जाएगा, फाइल के साथ में फाइल मतलब की नेम होगा फाइल, और इसके अंदर में जो हमारी फाइल आ रही है। ठीक है, यहाँ मैं करता हूँ रिस्पॉन्स इक्वल टू अवेट, और इसके साथ में एक्सियोस डॉट पोस्ट, और इसके अंदर में सबसे पहले एंड पॉइंट, एंड पॉइंट है मेरे पास में HTTP, मेरा लोकल लोकल होस्ट, मेरा जो बैकएंड चल रहा है वो चल रहा है 4001 पे, API अपलोड इमेज क्रिएट। ठीक है,
और इसके साथ में दूसरे नंबर पे मैं भेजूंगा फॉर्म डेटा, और तीसरी आर्गुमेंट में भेजूंगा हेडर्स, हेडर्स में मैं भेजूंगा कंटेंट टाइप। इसकी वैसे ज़रूरत नहीं होती दोस्तों, ठीक है, बट फिर भी कोई इश्यू ना है इसलिए मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा, ताकि बैकएंड को पता रहे कि किस फॉर्मेट में डेटा आ रहा है, ठीक है। इसको हमने कर दिया मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा, और हेडर्स के साथ में हम लोग दूसरा भेजेंगे विथ क्रेडेंशियल्स, इसको करेंगे फॉल्स, ठीक है। तो पहला मेथड हमारे पास में बन गया। अभी क्या है कि ये अवेट है, तो इसको हमें एसिंक करना पड़ना टू हैंडल द एसिंक्रोनस प्रोसेस, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे ख़त्म हुआ। इसके बाद में हम क्या करेंगे कि इफ़ रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट सक्सेस इक्वल टू, अगर वन आता है तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो इमेज है वो अपलोड हो चुकी है, वरना अपलोड नहीं हुई है। तो मैं रिटर्न यहाँ पे कर देता हूँ रिस्पॉन्स डॉट डेटा, ठीक है। अब ये सक्सेस और डेटा क्या है, तो इसके लिए हमारा जो इमेज टूल है इसमें जो डेटा हमें एपीआई से रिटर्न करना होता है वो एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है, वरना ये इसको मतलब प्रोसेस नहीं करेगा। तो जो फॉर्मेट होता है वो मैं आपको बताता हूँ, वो होना चाहिए इस फॉर्मेट में, ठीक है, सक्सेस वन, और एक फाइल की होनी चाहिए जो एक ऑब्जेक्ट होगा जिसके अंदर में जो पहली की होगी, मतलब जो की होगी वो होगी यूआरएल, ये वो यूआरएल वो होनी चाहिए जो अपलोडेड इमेज की यूआरएल है, तभी ये इसको एडिटर में शो करेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया सिंपल। अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि इमेज टूल आया है कि नहीं। तो आप देखेंगे इमेज टूल आ गया है, और यहाँ पे सिलेक्ट एन इमेज का बन गया, और इसने मुझे दे दिया कि भाई तुम अपनी इमेज को सिलेक्ट कर लो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे गया, मैंने ये वाली इमेज उठा ली और मैंने इसको ओपन कर दिया। तो आप देखेंगे इमेज जो है वो अपलोड हो चुकी है, और अगर मैं इसको चेक करूँ तो ये सॉरी, तो अगर मैं इसका सोर्स चेक करूँ तो ये 4001 पब्लिक इमेजेस, और इससे आ रही है जो मतलब अभी अपलोड हुई है, ठीक है। तो मैं इसमें कोई कंप्रेस वगैरह नहीं कर रहा, इसको सिंपली मतलब जो इसका ओरिजिनल साइज़ था उसी में सेंड कर रहा हूँ। अगर आपको किसी तरीके से कंप्रेस करना है, या फिर कई बार होता है कि विड्थ वगैरह चेंज करनी होती है, या फिर इमेज का साइज इतना ही रहना चाहिए, ठीक है, तो या फिर कई बार विड्थ के हिसाब से कुछ चेक भी लगाना होता है, तो उस केस में आप मेरी एक और वीडियो चेक कर सकते हैं जिसमें हाउ टू कंप्रेस इमेज इन रिएक्ट जेएस नाम से एक वीडियो होगी, उसमें वो सारी सारी चीज़ें बिल्कुल एडवांस में एक्सप्लेन की हुई हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया सिंपल वाला, पर इसी में एक और केस होता है जो मैंने आपको बताया कि इमेज को बाय यूआरएल करने का होता है, ठीक है। तो अगर मैं अभी अगर मैं इस इमेज को उठाऊं और यहां पे पेस्ट कर दूं, तो आप देखेंगे यहां पे आ गया कुडंट अपलोड इमेज, प्लीज़ ट्राई अनदर। तो ये था, ये मैंने यहां से एक लिंक उठाया जिस लिंक से ये वाली इमेज ओपन होनी चाहिए, बट हमारे एडिटर ने उसको ओपन नहीं किया। तो अभी हमें इसके लिए लॉजिक लिखना है कि ये वाली चीज़ हम कैसे चला सकते हैं, ठीक है। तो अपलोडर के अंदर में पहला फंक्शन तो आ गया ये वाला, अभी हम लिखेंगे दूसरा। तो अभी हम लोग जो करेंगे वो है अपलोड बाय यूआरएल। तो इसमें हमारे पास में यूआरएल आएगी, तो मैं इसको करता हूँ कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इक्वल टू, और ये भी अवेट करना पड़ेगा हमें, क्योंकि जो एक्सियोस की पोस्ट या फिर कोई भी एपीआई की पोस्ट रिक्वेस्ट होती है वो एसिंक्रोनस होती है, ठीक है। और इसका जो मेरे पास में एंड पॉइंट है वो है HTTP लोकल होस्ट 4001 API अपलोड इमेज क्रिएट बाय URL, ठीक है। और इसमें जो हम लोग दूसरा आर्गुमेंट मतलब बॉडी में जो भेजेंगे वो है URL, ठीक है। ये अवेट है तो इसको एसिंक करना पड़ना, ठीक है। और यहाँ पे हमारा फंक्शन ख़त्म हुआ, और इसमें भी हमारी जो
और जो मैंने आपको रिस्पांस का पर्टिकुलर फॉर्मेट बताया सक्सेस वन और साथ में डेटा के अंदर यूआरएल, वो हमें सेम टू सेम वहाँ से भी अगर आएगा देन ये सक्सेस है, अदरवाइज ये फेल्ड केस है। ठीक है, तो मैं इसमें करूँगा रिस्पांस डॉट डेटा डॉट सक्सेस इक्वल टू वन, अगर आया उस केस में मैं कर दूंगा रिटर्न रिस्पांस डॉट डेटा। ठीक है, सो ये हो गया। अभी हम इसको भी चेक कर लेते हैं। तो ये मेरी जो इमेज थी इसका मैंने लिंक उठाया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, तो अभी आप देखेंगे अपलोड हो रही है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो मेरी मतलब एपीआई का रिस्पॉन्स है वो आ गया है। अभी हम इसको ओपन करके देख लेते हैं ये लोड ही क्यों हो रही है। ओके, सो इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। ये HTTPS आ रहा है इसके साथ में, या इस वजह से शायद कोई दिक्कत आ रही है। सो मैं इसका जो मेरा बैकएंड का कोड है उसको मैं थोड़ा सा इस हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ। तो ये है मेरे पास में क्रिएट बाय यूआरएल। सो मैंने यहाँ पे HTTPS लगा दिया गलती से, मैंने इसको चेंज करके सेव कर दिया। अभी मैं इसको दोबारा से रिफ़्रेश करता हूँ और मैं इस यूआरएल को, सॉरी, और ये जो हमारी यूआरएल थी किसी थर्ड पार्टी और वेबसाइट की, मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट किया। तो आप देखेंगे इमेज हमारे पास में ठीक चल रही है। और मैं अगर इसको चेक करूँ, इंस्पेक्ट करूँ, तो इसका जो सोर्स है वो हमारे लोकल का आ रहा है अभी, और लोकल पे हमारी जो इमेज है वो बढ़िया तरीके से चल रही है। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही था। आज हमने देखा कि एडिटर जेएस के अंदर में हम लोग इमेज कैसे अपलोड कर सकते हैं। सो ये तो हमने कर लिया। अभी हम अभी अगर आप देखेंगे इसमें डिलीट का भी ऑप्शन है। ठीक है, अभी अगर आप इसको डिलीट करेंगे तो ये डिलीट तो होगी, बट ये हमारा जो क्लाउड है या फिर सर्वर है वहाँ से डिलीट नहीं हुई है। ठीक है, सो उस इमेज को आप कैसे डिलीट कर सकते हैं क्लाउड से, वो हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे, या फिर जब भी मैं एडिटर जीएस से रिलेटेड अगली वीडियो डालूंगा उसमें मैं बताऊंगा। और उस बारे में आपको यहाँ पे भी कुछ भी नहीं मिलेगा डॉक्यूमेंटेशन में, क्योंकि वैसा कुछ एडिटर जीएस वालों ने अभी तक बिल्ड किया ही नहीं है। तो मैंने जब मैं इस पे काम कर रहा था तो उस टाइम मेरे कुछ टूल बनाना पड़ा जिससे मतलब ये चीज़ चल जाए, मतलब जो आपका डिज़ायर्ड रिज़ल्ट है वो आपको मिल जाए। ठीक है, सो उसको मैं अगली वीडियो में बताऊँगा। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कोई कमेंट कर देना अगर अच्छी लगी हो, चाहे बुरी लगी हो, जैसे भी लगी हो करते ना। और दूसरा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हमारे 700+ सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। सो इसको हेल्प करो जल्दी से जल्दी 800 पहुँचाने में, थोड़ी मोटिवेशन रहती है। ठीक है, और थोड़े पॉजिटिव कमेंट्स मोटिवेशन के लिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय।